और दिव्यांगों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब हर धार्मिक जगहों पर रैंप का निर्माण होगा। इसके लिए बकायदा सरकार ने सभी जिला कलेक्टर्स को स्पष्ट निर्देश दे दिए। दिव्यांग जनों के लिए गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राजस्थान के सभी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या दूसरे धार्मिक स्थलों पर रैंप होना जरूरी होगा। गृह विभाग और सामाजिक न्याय विभाग ने इस संबंध में चिट्ठी लिखी है। विशेष योग्यजन उपायुक्त ने सभी जिला कलेक्टर्स को पत्र लिखकर रिपोर्ट मांगी है कि कितने धार्मिक स्थलों पर रैंप बने हुए हैं और कितनी जगहों पर रैंप नहीं है। जिन धार्मिक स्थलों पर रैंप नहीं बने हुए हैं वहां जल्द से जल्द निर्माण करवाने का आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा सिनेमा घरों को भी दिव्यांग फ्रेंडली बनाने के निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने जिले में सभी धार्मिक स्थलों और सिनेमा हॉल में इसकी पालना करवाएं ताकि दिव्यांगजनों को आवागमन में कोई परेशानी नहीं हो। इसमें एक बात ये भी है कि पिछली सरकार ने सिनेमा हॉल में दिव्यांगजनों को 3% सीटों का रिजर्वेशन भी कर रखा है, हालांकि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। प्रमुख धार्मिक स्थल जहां नहीं है रैंप, जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में दिव्यांगजनों के लिए रैंप नहीं है। करौली के कैला देवी मंदिर, खाटू श्याम जी मंदिर, सालासर बालाजी, गलता धाम में रैंप नहीं है। जामा मस्जिद, राजा पार्क का गुरुद्वारा दिव्यांग फ्रेंडली नहीं है। सामौद हनुमान मंदिर में रोप बना हुआ है लेकिन चालू नहीं किया गया है। जमवाय मंदिर, देवस्थान विभाग के ज्यादातर मंदिरों में कोई व्यवस्था ही नहीं है। बिरला मंदिर में अस्थायी रैंप नहीं बनाया गया है। प्रावधान के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों और सिनेमा हॉलों में दिव्यांगजनों को बाधा रहित आवागमन की सारी सुविधाएं होनी चाहिए। जब धार्मिक स्थलों की हम बात करते हैं तो उसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सभी आते हैं। तो ये हमने एक मांग उठा रखी है कि अधिनियम के प्रावधानों का पूरी तरह से पालना होनी चाहिए। हालांकि इससे पहले जयपुर के खोले के हनुमान मंदिर में प्रसादी स्थल पर भी रैंप नहीं था, लेकिन अब वहां पर रैंप बनवा दिया गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि विशेष योग्यजन विभाग और गृह विभाग